कहुच्छ भारत में कोरोनार द्वितीय लहर शीर्ष समय अतिक्रम कर सारी जदिओ दक्षिण केतेक राज्य स्थित संकटजनक रही किंतु बहु राज्य संक्रमण कमुचे तेरे देश सामने सबुठ बड़ विपद रही संभाव्य तृतीय लहर को नहीं कौन द्वितीय लहर पर आगक तृतीय लहर पुणी देश में आतंक खेल ए संभाव्य विपदर मुकाबिलाई आम के प्रस्तुत देश कथा कहतु आम राज्य कथा कोरोनार तृतीय लहर सामना करने को आम स्वास्थ्य भित्तिमि के मजबूत से नहीं देखा यह रिपोर्ट लगातार दुई दिन एक लक्ष तले परिसंख्या मृत्यु संख्या भी कमुची दिल्ली में पांच शहर तले दैनिक संक्रमण 50 तलक मृत्यु संख्या महाराष्ट्र रे भी कमुची दैनिक संक्रमण और मृत्यु संख्या तबे कौन कमिगला द्वितीय लहरर आतंक देश में आरंभ हो सारी कोरोना द्वितीय लहरीर डाउनफल द्रुत गति में दुर्बल होउछि तृतीय लहर आतंक अनलॉक आड़क पाद बढ़ाले विभिन्न राज्य ए दिगरे आगुआ रही राजधानी दिल्ली 400 के करीब केसेस आए हैं और 0.5% के करीब पॉजिटिविटी बची है, संक्रमण दर बची है, तो स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है और भगवान करे ऐसे ही कंट्रोल में रहे। तो ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है, उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन, 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक। सेपटे महाराष्ट्र सरकार यह पूर्वरु एप्रिल 14 रे राज्य में 15 दिन लॉकडाउन घोषणा करते महाराष्ट्र द्वितीय लहर से सबुठू अधिक प्रभावित होठार किदिन कोरोना रोगी ग्राफ खसुले भी एवं भी राज्य में कोरोना संक्रमण हार 10% रु अधिक एवं भी दैनिक बाहर 10,000 रु अधिक रोगी एने महाराष्ट्र सरकार संकेत देखते संक्रमण अधिक जिलागुड़े जून 15 जाए कड़ा कटक जारी र आम राज्यर कथा कहले ओडिशा रे भी दुईट पर्यायर लॉकडाउन बढ़ा जाए जून 17 जाए कटक लग जा संक्रमण कमुवर रज पर राज्य में कटक कोहल हो आशा करपर कोरोनार द्वितीय लहर दुर्बल पड़ा पर अधिकांश राज्य धीरे धीरे अनलॉक आड़क बढ़ुं किंतु यह खूब सतर्कतार जगी रखी पदक्षेप नेबार आवश्यकता रही कारण टिके भी खामखियाली कले कोरोना संक्रमण पुणी बढ़िवारे बेसी विलंब हेबो नाही अन्य पटे कोरोनार तृतीय लहर आसीबा एबे बाकी अछि। मध्य प्रदेश पे हमने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है लेकिन तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। हमने तीसरी लहर के मुकाबले के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दिए। अब यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर का ज्यादा असर बच्चों पर होगा, तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा होगा। इस आशंका को देखते हुए एक तरफ जहां हमने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का फैसला किया है। भितरे केंद्र विज्ञान मंत्रालय आकलन करिछि जे जून शेष बेलकू द्वितीय लहर रे प्रतिदिन 20,000 संक्रमित बाहरिबे जहां परे 6 मास जाए तृतीय लहर आसीबार संभावना नाही किंतु अक्टोबर 2021 परे भारत कोरोना तृतीय लहरीर शिकार होई पारे। कोरोनार द्वितीय लहर माड़ सहित ब्रिटेन भली देश रे एबे तृतीय लहर आरंभ होई गलानी
एणु आम देश में यह देखागला अनेक आशंका एमती प्रश्न है केबे आसिबो वो केते मारक हेब तृतीय लहरी आमे कौन तृतीय लहरी पाई प्रस्तुत आमर स्वास्थ्य भित्तिभूमि कौन तृतीय लहर मुकाबला करि परिबो आज्ञा हाँ एबे समय हला तृतीय लहरीर प्रस्तुति को परखिबा द्वितीय लहरर पीक अतिक्रम करिबा परे एबे समय देश को तालामुक्त करिबार किंतु एथिरे कौन ग्यारंटी अछि जे दड़मास हला घरे कहिथिबा लोके अचानक बाहर को बाहरिले पुणि थरे मुंड टिकिबो नाही कोरोना 2020 रे प्रथम लहर समय रे जून 1 तारीख रु आरंभ होइथिला अनलॉक प्रक्रिया किंतु सेप्टेम्बर शेष भाग जाए बढ़ी चलीथिला कोरोना मामला तेणु एथर भी रहिछि अनेक समस्या अनेक चैलेंज आम राज्यर कथा कहिले एथिपई राज्य सरकार आरंभ करिछंती प्रस्तुति अनुमान करा जाउछि ओडिशा रे सेप्टेम्बर अक्टोबर मास बेळकु आसी पारे कोरोना रो तृतीय लहर तृतीय लहर रे शिशु माने अधिक प्रभावित हेबार आशंका रहिछि सेथिपई राज्य सरकार प्रस्तुति आरंभ करथिबा कहिछंती स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र छोट पिलांक चिकित्सा अन्य रोगींक अपेक्षा भिन्न होइथिबारु तांको प्रति दियाजीव अधिक गुरुत्व सेथिपई एबेठु डाक्टरनकु ट्रेनिंग देबास जनरल ओ आईसीयू बेड मध्य प्रस्तुत करी रखा जाइछि जे जिला गुड़ी करे संक्रमण हार 5% रु कम सेठारे कटकणा कोहळ करबा कथा विचार करूछंती राज्य सरकार थर्ड वेव कथा देखंतु आमर एक्सपर्ट मानंकर फोरकास्ट अनुसार सेप्टेम्बर अक्टोबर बेल को आसी पारे दुई नंबर जिनस कहउछंती जे एथरे पेडियाट्रिक बा एडोलेसेंट ग्रुप बेसी इफेक्टिव हेबे इफेक्टेड हेबे जदिओ एमाने इफेक्टेड हेबे एतेटा सीरियसनेस एमानंकर उपरे प्रभाव रहिबो नाही किंतु सबु जागु पछरे पकई आमे जेहेतु शिशु रोग रोगी मानंकर चिकित्सा शैली टिके भिन्न सेमानंक पे टिके स्पेशल प्रोग्राम दरकार आमर से पे सरकार डिसाइड करिसंती आमे बेड बढ़ेबु शिशु मानंक पे आईसीयू रो व्यवस्था करिबु पर्याप्त परिमाण रे डाक्टर पेडियाट्रिक डाक्टर को संगरे नॉर्मल डाक्टर को आमे बेसिक ट्रेनिंग आई मानकर दिया जिवो पारामेडिकल मान को दिया जिवो सो आमे वर्कफोर्स आमे प्रिपेयर करके रखिबो तृतीय लहर पिलांक पे अधिक घातक हेबा नै करा जाउछि आशंका तबे यहा को खंडन करिछंती दिल्ली एम्स निर्देशक रणदीप गुलेरिया अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड द वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहां पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो अगर हम सेकेंड वेव का डेटा भी देखें तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में 60-70% जो बच्चे एडमिट हुए थे दे वर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी या कुछ कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन कोरोनार प्रथम और द्वितीय लहर रे भी संक्रमित पिलांक संख्या किछि कम रही नाही किंतु वयस्कंक तुलना रे पिलांक ठारे रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक थिबारु पिलांक गुरुतर मृत्यु हार कम रहिछि तथापि तृतीय लहरर आशंका को अनदेखा करा जाय न पारे कोरोना मुकाबला नै अनेक क्षेत्र रे काम हेबा बाकी अछि सबुठ अधिक गुरुत्वपूर्ण हला टीकाकरण आम देश रे एजाय मात्र प्राय 24 कोटी लोकंक टीका दिया जाइछि एही बेगरे गले 130 कोटी रु अधिक जनसंख्या विशिष्ट देश रे संपूर्ण टीकाकरण करिवारे बहु मास लागि जिवो एमितरे तृतीय लहर पूर्वरु देश आगरे रहिछि बहुत चैलेंज चैलेंज बड़ तृतीय लहर पई आमको प्रस्तुत रहिबाकु हेबो द्रुत गति रे करबाकु हेबो टीकाकरण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करबाकु हेबो ग्रामांचल जाय स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाइबाकु हेबो आउ करबाकु हेबो व्यापक सचेतनता रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।